आटे का हलवा या कड़ा प्रसाद जो हम गुरुद्वारे के लिए लेके जाते हैं, गुरुद्वारे से जो मिलता है हमें खाने के लिए, बहुत ही टेस्टी लगता है, सबको बहुत ही पसंद आता है। तो आज क्या मिस्टेक्स करने से आप बचिए वो मैं आपको बताने वाली हूँ, जो बेसिक मिस्टेक्स मैंने की है आप मत करिएगा। तो कड़ा प्रसाद बनाते टाइम ये ध्यान रखिए कि जो घी है, आटा है, वो सेम क्वांटिटी का लेना है। तो जो घी है वो पिघला हुआ हो तो ज़्यादा बेटर है, अदरवाइज मैं आपको बताती हूँ कि क्या प्रॉब्लम आती है। कि आप देखो, जब इसको रोस्ट करोगे ना, तो इस टाइप से ना सब क्रम्बल हो जाएंगे, और थोड़ा थोड़ा ऐसे बिना मेल्टेड हुआ घी डालोगे ना, तो ये अच्छे से ना पिघलेगा ना सब उसमें अच्छे से मिक्स होगा, ठीक है। तो पहली चीज़ ये कि घी पिघला हुआ डालिए और सेम क्वांटिटी में डालिए। थोड़ा घी ज़्यादा होता है तो आप थोड़ा कम भी रख सकते हैं, पर ये देखिए टेक्सचर कैसा हो गया है, क्रम्बल हो गया है। तो इस तरीके का हमको नहीं चाहिए, हमको पूरा पिघला हुआ चाहिए होता है। उसके बाद आती है ये शक्कर। शक्कर भी आपको कोई नहीं बताता है कि पूरी शक्कर नहीं डालनी है, पिसी हुई डालो तो अच्छा है, या फिर थोड़ी पतली हो तो अच्छा है। जैसे ये मोटी शक्कर इसमें डाली है ना, तो इससे शक्कर जो है वो पूरी पिघली नहीं है। और जो पानी है वो डबल डालना है जितना हमने घी और आटा शक्कर ये सब सेम क्वांटिटी में लिया है ना, और जो पानी है वो हमको डबल लेना है। तो पानी आप डबल लेके भी इसको अच्छे से मिक्स करके भी टेक्सचर आपको दिखेगा कि आपको लगेगा कि अच्छा लग रहा है, पर अंदर से जो शक्कर है ना वो पिघली हुई नहीं होगी, अगर शक्कर मोटी है तो इससे इसलिए बेटर है कि पहले तो आप जो घी है उसको पूरा पिघालिए, पहला टिप ये। दूसरा टिप ये कि आटे को उसमें अच्छे से रोस्ट कीजिए, ठीक है। फिर जो शक्कर आप डाल रहे हैं सेम क्वांटिटी की, वो पिसी हुई डाले तो अच्छा है, पिसी हुई जल्दी से घुल जाएगी और टेक्सचर भी अच्छा आएगा। और ये देखिए कलर बहुत अच्छा आया है, इतना ही हमको उसको रोस्ट करना होता है घी में आटे को। और ये देखिए घी जब पिघला हुआ नहीं डालेंगे तो इस तरीके से प्रॉब्लम आपको आ सकती है। और शक्कर अंदर तक लग रही थी, मतलब जब आप खाओगे ना तो लगेगी, तो पिसी हुई शक्कर ही डालो। और ये देखिए आपका जो हलवा है वो बन के रेडी हो जाता है। तो इन टिप्स का ज़रूर ध्यान रखिए। अगर अच्छा लगा हो मेरी टिप्स और वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।